क्या भविष्य में कभी हमारा सूरज ब्लैक होल बन पाएगा? आखिर ब्लैक होल भी तारे से ही बनते हैं, तो हमारा सूरज भी तो एक तारा है, तो क्या ये भविष्य में ब्लैक होल बन पाएगा? इस सवाल के जवाब को जानेंगे इस वीडियो में। ब्लैक होल बनने के लिए एक तारे की आवश्यकता होती है। जब कोई भी तारा अपने अंत के समय में आता है तो सुपरनोवा विस्फोट के तहत वो नष्ट होता है। जब कोई बहुत बड़ा तारा नष्ट होता है सुपरनोवा विस्फोट के कारण, तो उसके कई सारे अवशेष आपस में मिलकर धीरे 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 ब्लैक होल का रूप लेते हैं, और वो ब्लैक होल धीरे धीरे और बड़ा बनते जाता है अपने आसपास के स्टार्स को अपने अंदर समाकर, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और कोई भी तारा ब्लैक होल जब ही बनेगा जब वो तारा हद से ज़्यादा बड़ा होगा। कोई भी छोटा तारा कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि जब छोटा तारा नष्ट होगा सुपरनोवा विस्फोट के तहत, तो वो नष्ट होकर बस अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और शांत हो जाएगा। वो ब्लैक होल का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके। इसका सिंपल सा जवाब यही है कि हमारा सूरज भविष्य में जब भी नष्ट होने की समय में आएगा तो वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सूरज वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए अभी छोटा है। ब्लैक होल के हिसाब से इसका साइज काफी कम है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारे सूरज के मुकाबले कई लाख गुना बड़ा होता है, तब जाकर वो ब्लैक होल का रूप लेते हैं। जब कोई तारा हमारे सूरज से कई लाख गुना बड़ा होगा, भारी होगा, तभी वो ब्लैक होल का रूप लेगा, ना कि हमारा सूरज भी ब्लैक होल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा सूरज भले एक तारा है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके। तो भविष्य में कभी भी हमारा सूरज ब्लैक होल नहीं बनेगा।